T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का आगाज 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ होने वाला है। यह मुकाबला रोहित शर्मा के लिए बतौर कप्तान बहुत ही अहम होने वाला है। इस मैच को जीतते ही रोहित शर्मा धोनी से आगे कप्तानी में निकल जाएंगे। कप्तानी में MS धोनी से आगे कोई नहीं निकल सकता, लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो यह मैच जीतते ही रोहित शर्मा MS धोनी से आगे निकल जाएंगे। बात करें इस रिकॉर्ड के बारे में तो MS धोनी ने टीम इंडिया के लिए अब तक 72 मैचों में कप्तानी की है और इन 72 मैचों में से 41 मैचों में टीम को जीत दिलाई है। इसके साथ ही बात करें रोहित शर्मा के बारे में तो रोहित शर्मा ने भी टीम इंडिया के लिए 54 मैचों में कप्तानी की है और अब तक 54 मैचों में से 41 में टीम इंडिया के नाम जीत हासिल की है। आयरलैंड के खिलाफ होने वाला मैच रोहित शर्मा का 55वां T20 मैच होने वाला है और अगर रोहित शर्मा यह मैच जीतते हैं तो रोहित शर्मा के नाम 42 जीत हो जाएंगी, जो कि किसी भारतीय कप्तान द्वारा T20 में सबसे ज्यादा जीत होंगी। बतौर कप्तान रोहित शर्मा भले ही MS धोनी से ज्यादा मैचों में जीत हासिल कर लें, लेकिन धोनी जैसा कप्तान टीम इंडिया को दोबारा नहीं मिल सकता। MS धोनी एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपनी कप्तानी में टीम को वर्ल्ड कप जिताया है और धोनी के जाने के बाद में टीम इंडिया कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। तो रोहित शर्मा भले ही MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन कप्तानी के मामले में रोहित शर्मा अभी भी MS धोनी से बहुत पीछे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको MS धोनी और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन कप्तान लगता है। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।